भारत में एक से बढ़कर एक आलीशान होटल और रिजॉर्ट्स हैं। इनकी भव्यता ऐसी है कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। ये होटल और रिजॉर्ट्स देखने में जितने आलीशान हैं उतने ही महंगा है यहाँ रुकना। कुछ होटल्स के बारे में ऐसे कमरे हैं जिनका एक रात का किराया लाखों में है, और इन एक रात के किरायों से आप अपने लिए एक खूबसूरत कार खरीद सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में उन होटल्स के बारे में जिनके एक रात रुकने की पैसे जो है वो लाखों में पड़ते हैं। सबसे पहला नंबर आता है जयपुर की रामबाग पैलेस का। ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट में एक रात रुकने का किराया है 6 लाख रुपए। इसके बाद आता है दिल्ली का द लीला पैलेस। दिल्ली का द लीला पैलेस के महाराजा सुइट में अगर आप एक रात रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करीब 1,50,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। और अब इसमें अगला नंबर आता है उदयपुर की द ओबेरॉय उदय विलास पैलेस का। उदय विलास पैलेस के कोहिनूर स्वीट में अगर एक रात आप रुकना चाहेंगे तो आपको अपनी जेब से करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उदयपुर के ही ताज लेक पैलेस के ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात रुकने का किराया करीब 6 लाख रुपए पड़ता है। है ना महंगे होटल्स। और इसमें अगला नंबर आता है मुंबई के का द ओबेरॉय का। मुंबई का ओबेरॉय होटल बेहद ही मशहूर होटल है। इसमें के प्रेसिडेंशियल सुइट में अगर आप रुकना चाहते हैं एक रात तो इसके लिए आपको 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इसके बाद आता है गुरुग्राम का द ओबेरॉय होटल। उस ओबेरॉय होटल्स का चेन है, उसका ही एक हिस्सा है, ये गुरुग्राम में बना हुआ है। गुरुग्राम का ये प्रेसिडेंशियल सुइट में अगर आप एक रात रुकना चाहते हैं तो आपको एक रात का 3 लाख रुपए किराया चुकाना पड़ेगा। द ओबेरॉय अमर विलास होटल है, आहरा के मोस्ट एक्सपेंसिव होटलों में से एक है। इसमें एक रात का किराया 2.5 लाख रुपए है। इन तमाम होटल्स की जानकारी हमने आपको दिया है। ये वो होटल हैं जो देश के सबसे महंगे होटलों में शुमार हैं, और इनमें अक्सर जो है विदेशी पर्यटक और देश के बड़े बड़े अमीर नामचीन घराने के लोग जाते रहते हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स हमने इंटरनेट से निकाले हैं जो आपके लिए हमने आज ख़ास तौर पर इसे बनाया है। आप क्या सोचते हैं, क्या आपने कभी इन होटलों में रुका है, या आपने कभी ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इसमें रुकना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।